सर्विस वोटरों को मतपत्र ना मिलने पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है और मांग की है कि चुनाव आयोग सभी सर्विस वोटरों को डाक मत पत्र उपलब्ध करवाएगा, क्योंकि कुछ जिलों में सर्विस वोटरों को मतपत्र नहीं मिले हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने सर्विस वोटरों के मतपत्र जल्द वापस भेजने के लिए आयोग से सरकारी मशीनरी को जरूरी दिशा निर्देश देने की मांग भी की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को वोट देने का अधिकार है, इसलिए चुनाव आयोग सभी सर्विस वोटरों को मतपत्र उपलब्ध करवाने के साथ साथ 8 दिसंबर से पहले उनकी वापसी भी सुनिश्चित करवाएंगे। सिरमौर और बिलासपुर में कुछ कर्मचारियों को मतपत्र न मिलने के मामले भी सामने आए हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। वहीं प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि चुनाव आयोग का काम सर्विस वोटरों को मतपत्र मुहैया करवाना है, जो पहले ही आयोग ने भेज दिए हैं। चुनाव के लिए 59,000 के करीब कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी, जिन्हें मतपत्र भेज दिए गए हैं और उनमें से 40,000 वापिस भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा 80 साल से अधिक और PWD वोटरों के मतपत्र की प्रक्रिया पहले पूरी की जा चुकी है, जबकि 19,000 सर्विस वोटर के मतपत्र भी आयोग के पास पहुंच गए हैं। वहीं और क्या कुछ कहा मनीष गर्ग ने, आइए सुनते हैं। पिछले 4-5 दिनों से ये मामले उठे हैं, हमारे कांग्रेस में भी इसकी जानकारी मिली है। कई जगहों से कुछ ऐसे शिकायतें मिली है कि कुछ जगह लोगों को पोस्टल बैलेट्स नहीं मिले हैं, जो जिसके लिए वो एंटाइटल्ड थे, उनको अपना वोट जो है पोस्टल बैलेट से देना था। और इसके अलावा हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे लीगल डिपार्टमेंट ने भी, कि आप इसको एक कंसर्न माने सीरियस, कि लोगों का जो अधिकार है वोट देने का, वो इलेक्शन ड्यूटी में कर्मचारी जो लगे थे वो भी हो सकते हैं, और उसके अलावा जो सर्विसेज में थे लोग उनके भी वोट होने चाहिए। जो आंकड़ा आया है तकरीबन 1,27,000 के करीब जो है पोस्टल बैलेट्स इशू हुए हैं, और उनमें जो अभी तक वापस आए वो बहुत कम है, तकरीबन 40% जो है अभी वापसी उनकी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, इसको लेके गंभीरता होनी चाहिए। और ऐसे कुछ मामले उठे भी हैं, आप सिरमौर की बात करें तो वहाँ 40 के करीब जो सुरक्षा में थे पुलिस कर्मचारी, उनको अधिकार ही नहीं मिला, उनको पोस्टल बैलेट ही नहीं मिला। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। और बिलासपुर में भी एक ऐसा ही मामला आया था, उनको भी पोस्टल बैलेट्स नहीं मिले। तो हर आदमी का ये अधिकार है, अगर वो आपके चुनाव प्रोसेस में काम कर रहे हैं, उनकी ड्यूटीज लगी हैं, तो ये 5 साल के लिए सरकार बनने जा रही है, उनका अधिकार है ये लोकतंत्र का, तो वो अपना वोट देना चाहते हैं अगली सरकार बनाने के लिए, तो ये इंश्योर करना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमने इलेक्शन कमीशन से पहले भी रिक्वेस्ट की, आज फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे मिलेंगे भी, कल भी हमारे लोग मिले हैं, कि आप इसको गंभीरता से लें, जो भी आपका मैकेनिज्म है उनको आप बताएं कि इसको इंश्योर करें कि जल्दी से जल्दी लोगों की सारी शिकायतें दूर हो, लोगों को पोस्टल बैलेट्स भी मिले और उसकी वापसी भी इंश्योर होनी चाहिए कि 7 तारीख को या 8 तारीख को मतगणना के दिन 8 बजे तक सुबह वो मिलने चाहिए और उसमें शामिल होने चाहिए काउंटिंग। देखिए, ये जो इलेक्शन डिपार्टमेंट का जो रोल है वो तो पोस्टल बैलेट्स इश्यू करना है, और जो पोस्टल बैलेट्स जो है 59,000 के लगभग इशू हो गए थे, पोलिंग से पहले ही होती है ये सारी प्रक्रिया। और हमारे पास लगातार जो है वो प्राप्त हो रहे हैं पोस्टल बैलेट्स, और हम लोग ये अनुरोध भी कर रहे हैं जो वोटर्स से कि वो अपने पोस्टल बैलेट्स टाइमली भेजें, जिससे कि वो 8 से पहले पहुंच जाएं। जहां तक पोस्टल डिपार्टमेंट का प्रश्न है, हम लोगों ने पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ भी मीटिंग की है और उन्होंने ये अश्योर किया है कि जितने जो भी पोस्टल बैलेट्स पोस्ट ऑफिस में बुक होते हैं उनकी रिसीट दी जाती है, बिकॉज इट इज़ अ प्री पेड स्पीड पोस्ट। और लेकिन अगर कोई लेटर बॉक्स में उसको डालता है तो उसको भी वो एज अ स्पीड पोस्ट कंसिडर करके तुरंत ही कंसर्न आरओ को भेजते हैं। तो पोस्टल डिपार्टमेंट ने अश्योर किया कि कोई डिले इसमें नहीं होगा। ऐसे कोई हमारे पास स्पेसिफिक केसेस नहीं आए हैं अभी तक एट द CO लेवल। डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ ऐसे केसेस अभी ध्यान में लाए गए हैं, उस पर जो कंसर्न DOs हैं वो नेसेसरी इंक्वायरी कर रहे हैं। हम लोग यही कहना चाहेंगे जितने भी एम्प्लॉयज़ और सर्विस वोटर्स हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने पोस्टल बैलेट्स कंसर्न RO's को भेजें, जिससे कि वो काउंटिंग में कंसिडर हो सके। देखिए, पोस्टल बैलेट्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, मैं ये क्लियर करूँगा। पहले तरह के जो पोस्टल बैलेट्स थे वो थे कि जहाँ पे 80+ और 12D वाले जो पोस्टल बैलेट्स थे PWD वोटर्स के लिए,
वो प्रक्रिया ऑलरेडी पूरी हो गई थी, जिसमें कि ऑलमोस्ट 97% हमारे पास वोट्स आ गए थे। दूसरा कैटेगरी है जो इलेक्शन ड्यूटी स्टाफ है, उसमें लगभग 59,000 पोस्टल बैलेट्स इशू हो गए थे जिन लोगों ने भी उसको अप्लाई किया टाइम पे, और उसमें से अभी तक हमारे पास 40,000 प्राप्त हो गए हैं, लगभग 67% प्राप्त हो गए हैं जो एम्प्लॉयज़ ऑन इलेक्शन ड्यूटी पे। और सर्विस वोटर्स का जहाँ तक प्रश्न है, सर्विस वोटर्स के करीब 19,000 जो है प्राप्त हो गए हैं।